subscribe to our YouTube channel VanFin Multibaggers and press the bell icon to see the latest updates and videos. VanFin, discover opportunities, create wealth. शर्मा जी, आपने बायोपिक के तौर पे कौन सा शेयर आज चुना है? जी कविता जी, आज जो मैंने आपके दर्शकों के लिए जो शेयर चुना है वो है थॉमस कुक। ये कंपनी प्रेम वत्सा जी की कंपनी है, उन्होंने 2012 के अंदर इसको टेक ओवर किया था अपनी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के जरिए, और उनकी मेजोरिटी होल्डिंग 75% के ऊपर उनके पास है। 50 रुपये भी ली हुई है कंपनी का, ये स्टॉक आज 268 रुपये भी कोट करता है, और उनको जो रिटर्न मिली है वो 40% सालाना कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट मिली है। तो ये जो स्टॉक है प्रेम वत्सा का, एक बार इंट्रोडक्शन दे दूं, ये वो शख्स हैं भारतीय मूल के जो कनाडा के निवासी हैं और जो जिनको मिस्टर वॉरेन बुफे के बराबर समझा जाता है, हालांकि उन्होंने बुफे साहब को पछाड़ा है रिटर्न देने के लिए। उनके जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं उनके रिटर्न्स बेहतर हैं। तो अब ये कंपनी, जिस भी मिस्टर प्रेम वत्सा जिस भी कंपनी में हाथ डालते हैं वहां पे काफी अच्छा मैनेजमेंट संजीदा होता है और उनका ग्रोथ रेट अचानक अच्छा हो जाता है। तो ये बता दें, कई बिजनेस हैं, ट्रेवल है, फॉरेक्स है, और ये बिजनेस हैं इसके अंदर। इन्होंने एक कंपनी भी एक्वायर की थी और उसमें इन्वेस्ट किया था, 49% थॉमस कुक की होल्डिंग है क्वेस्ट कॉरपोरेशन में, जो मैं आपको आपके दर्शकों को पहले भी बता चुका हूं, जहां पे करीब करीब मेरे ख्याल से 80% के ऊपर रिटर्न भी मिल चुका है। तो उस कंपनी में इसकी हिस्सेदारी है। तो अगर मैं ये कहूं कि जो 268 रुपये का भाव है, तो उसके अंदर से करीब 72% वो हिस्सा है जो आपको क्वेस्ट से मिलता है इसकी होल्डिंग की वजह से। अब कंपनी के अंदर आगे चल के इसको और फर्दर सिंप्लीफिकेशन होगा इसके बिजनेसेस का, और यहां पे और आप देखेंगे कि यहां पे कुछ कंपनियां, कुछ बिजनेस अलग हो सकते हैं और कुछ विलय या एक कंपनी किसी के साथ मर्जर या डीमर्ज भी हो सकती है। तो ऐसे वक्त के अंदर जो रिटर्न्स हैं, हमने देखा है कि ऐसा मैनेजमेंट जब आगे चलता है तो रिटर्न्स उसके अंदर अच्छी बनती है। तो मेरा क्या मानना है कि हालांकि कंपनी ने रिजर्व जो एप्रिसिएशन दिया है वो 40% सालों साल दिया है, पर मैं समझता हूं कि ये टफ ईयर है, तो फिर भी 20% जैसा रिटर्न आप यहां से भी पा सकते हैं। 268 रुपये का स्टॉक है, और आप, मेरा ये मानना है कि अगर 2020 की अर्निंग्स को अगर हम सम ऑफ द पार्ट्स पे वैल्यू करें तो ये स्टॉक 325 रुपये तक जा सकता है। तो बाकायदा आप इसमें निवेश कर सकते हैं और कॉन्फिडेंटली निवेश कर सकते हैं, बिकॉज इसमें आपको रोजाना भाव देखने की आवश्यकता नहीं है। आप स्टॉक लेकर एक तरह से चाहें तो कुंभकर्ण की 6 महीने की नींद सो भी सकते हैं। चलिए, जितना लंबा हो सके उतना लंबा निवेशित रहने की सलाह आपको दी जा रही है। थॉमस कुक आज के वैल्यू पिक के तौर पे चुना गया है। इस साल का नजरिया 325 का टारगेट दिया जा रहा है शर्मा जी की तरफ से।